हेलो दोस्तों, सूरज कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सेक्टर 10A नियर हीरो हांडा चौक, ये पड़ता है। और ये देखिए आप, ग्रीनवुड किंडर गार्डन, ये प्ले स्कूल है। यहाँ पर सेक्टर 10A में हम आए हैं। मैम, आपका लैपटॉप रिपेयर हो चुका है, एक बार आप चेक कर लीजिए ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमें एक लैपटॉप अभी डिलीवर करना है, आसूस का लैपटॉप है जो कि सूरज कंप्यूटर्स ने रिपेयर कर दिया है। उसमें जो इशू आ रहा था, हार्ड डिस्क का जो इशू आ रहा था, वो अभी रिजोल्व हो गया है। उसमें हमने SSD इंस्टॉल की है। तो अभी हम चलते हैं मैडम के पास, जिनका हमें लैपटॉप डिलीवर करना है। देखते हैं, चलिए आप हमारे साथ में। जो हमारे टेक्नीशियन है वो भी चलते हुए सेक्टर 10A नियर हीरो होंडा चौक। सूरज कंप्यूटर्स जो है, आप गुड़गांव के किसी भी सेक्टर में आप हो, जहाँ पर भी हो, आपके लैपटॉप को सूरज कंप्यूटर आपके घर पे ही आके रिपेयर करता है। और ये फ्री होम डिलीवरी भी हम लोग करते हैं। अगर आपका लैपटॉप वहीं पर रिपेयर हो सकता है तो वहीं पर रिपेयर कर देते हैं, अगर वहाँ पर रिपेयर नहीं होता है तो वहाँ की जगह कैन ड्रॉप फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो ये देखिए सेक्टर 10A काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लैट्स हैं। ये आप हमारे जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं वो डबल डोज वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूरज कंप्यूटर्स पिछले 10 साल से गुड़गांव के अंदर लैपटॉप, प्रिंटर और कार्टेज की सारी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अगर किसी भी तरह का आपको कोई इशू आए तो आप सूरज कंप्यूटर को कभी भी किसी भी टाइम कॉल कर लीजिए। कोई इंक्वायरी अगर आपकी हो आपके लैपटॉप से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड, तो आप बताइए सूरज कंप्यूटर। ये आप देखिए, अब हमारे हैं, ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, सेक्टर 10A गुड़गांव। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 10A। ओके, यहाँ पे हम आए हैं। अभी ये एक आसूस का जो लैपटॉप है वो हमें डिलीवर करना है। यहाँ पर गार्ड भैया बैठे हुए हैं, गार्ड से अभी हम मिलेंगे, उनसे बताएंगे। गार्ड से अभी हम परमिशन लेकर जा रहे हैं अंदर। गार्ड ने बोल दिया है आप जा सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स का आई कार्ड उन्होंने हमारा चेक कर लिया है। खुला हुआ है। मैम, आपका लैपटॉप रिपेयर हो चुका है, एक बार आप चेक कर लीजिए ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये वाला लगा, दूसरा चार्जर नहीं लगेगा, ये वाला लगा, ना ना दूसरा चार्जर नहीं लगेगा, यही वाला लगा, सेम चार्जर होगा तभी लगेगा। वो वाला चार्जर है भैया, हमने दिया नहीं, वो चला के देखो। होगा मैम,